अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास A1। मैं बना रही हूँ जी आलू अंडे, और इधर मैंने ले लिया था जी तकरीबन आधे कप से थोड़ा ऑयल। उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लाइट ब्राउन करके निकाल लिए थे, उनकी मैंने बनानी है पेस्ट। और इसमें मैं ऐड करूँगी जी साबुत गर्म मसाले, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, तेज़पत्ता, ज़ीरा, और इनको ऑयल में थोड़ा सा तड़का लेंगे। और उससे पहले आप मेरी वीडियो कर दें लाइक शेयर और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी टमाटर पेस्ट। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसमें ऐड किया था अदरक लहसुन, और उसकी मैंने बना ली थी जी पेस्ट। और अब इस पेस्ट को थोड़ा सा मैं पका लूँगी। आलू अंडे हमारे घर सबके फेवरेट हैं, कुछ जब भी इनसे पूछा जाए तो पहला यही मिलता है जी आलू अंडे पका लो। तो एक ही तरीके से बना बना के मैं तो हो चुकी थी बोर, खाने वालों का पता नहीं। तो मैंने सोचा आज कुछ न्यू स्टाइल से बनाया जाए, तो कोरमा स्टाइल आज मैं आलू अंडे बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को पूरा वॉच किया करें, एक लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरी हौसला अफजाई करता है। और टमाटर पेस्ट जी थोड़ी देर 5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। आलू मैंने मीडियम साइज़ के क्यूब शेप में काट लिए थे, और आलू ऐड करेंगे। और आलू ऐड करने के बाद इसको मैं ढक्कन दे के रख दूंगी 5-1 मिनट के लिए, ताकि टमाटरों का पानी मज़ीद ज़रा खुश्क हो जाए। और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखने के बाद जब इसका टमाटरों का पानी ज़रा खुश्क होने लगेगा, तो फिर इसमें मैंने ऐड कर दी थी जी प्याज़ों की पेस्ट, जो लाइट ब्राउन करके प्याज मैंने निकाले थे उनकी मैंने पेस्ट बना ली थी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। और पेस्ट डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, और साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी मसाले। मसालों में जी मैंने डाला था जी नमक, हसबे जायका, आप अपनी हांडी के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया, और मसाले आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको ढक के रख दिया था, और 5 से 10 मिनट के बाद जब आलू मेरे कच्चे पक्के हो जाएंगे, आलू हमने कच्चे पक्के रखने हैं पहले, क्योंकि जब हम पानी डाल के पकाएंगे नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, इसलिए अभी हम आलू सिर्फ कच्चे पक्के रखेंगे। और उसमें ऐड कर देते जी मैंने 2 खाने के चम्मच दही के। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और दही ऐड करने के बाद साथ ही मैंने ऐड कर दी थी जी हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद फिर इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे भूनना शुरू कर दिया था, और मीडियम फ्लेम पे इसको भूनते रहे। गैस भी कम थी इसलिए गैस आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करने का कोई वो नहीं था, बस जो मीडियम गैस एक आहिस्ता आ रही थी उसी पे हांडी ये पक रही थी। और 5 से 10 मिनट भूनने के बाद जी मसाला अच्छी तरह भुना गया था, ऑयल छोड़ दिया था हांडी ने, तो इसका मतलब है जी हांडी रेडी है, मसाला रेडी है। इसमें फिर मैंने ऐड कर, पहले मैंने ऐड किया था 1.5 कप पानी, तो फिर जब मैंने कहा ये पकेगा तो इतना शोरबा नहीं रहेगा, तो फिर मैंने इसमें 1/2 कप पानी और डाल दिया था। तकरीबन 2 कप पानी डाल के मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया था, और मीडियम फ्लेम पे ये तकरीबन 25 से 30 मिनट पे पकता रहा है। जितना ये पकेगा उतनी ही इसका जो ग्रेवी होती है, शोरबा जो होता है, मज़े का बनता है। इधर मैंने आलू रख दिए थे, आलू का शोरबा पकने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैंने रख दिए थे अंडे बॉयल होने के लिए। और अंडे ये जो फर्स्ट जो अंडा इसका मुझे था शायद ये टूट के बाहर निकलेगा सारे इसको उबालते हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नहीं निकला था, सही बॉयल हो गए थे। और अंडे बॉयल होने के बाद जी शोरबा जब रेडी हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 डोंगे का चम्मच दूध। और दूध ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इसमें अंडे भी ऐड कर दिए थे, और दोबारा इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था, ताकि आलू अंडों का आपस में सही फ्लेवर मिक्स हो जाए, टेस्ट सही मिक्स हो जाए। और दोबारा 10 से 15 मिनट पकाने के बाद आलू अंडे कोरमा स्टाइल मेरे हो चुके हैं रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी।